हे गाइस, माई सेल्फ सुमन सिंह। गाइस, आज अपन इस वीडियो में सीखने वाले हैं यूट्यूब चैनल का नाम चेंज करना, जो टाइटल होता है नेम, डिस्क्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन को हाइड करना और विजिबल करना। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन सीखेंगे यूट्यूब ऐप से। तो ये रहा यूट्यूब ऐप, इसके थ्रू अपन सीखेंगे। उसके बाद अपन सीखेंगे डेस्कटॉप या फिर आप क्रोम से कैसे करोगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यूट्यूब ऐप खोल लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से अपन चैनल या फिर जो भी आप साइन इन करके रखे हो, जो भी अकाउंट, वो ओपन होता है। तो यहाँ पर कर लेना। उसके बाद आपको करना है योर चैनल। करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। गाइस, दिस इज माय न्यू चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड विजिट माय आल्सो फर्स्ट चैनल इंजीनियर गायन। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सेटिंग का एक साइन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखोगे बहुत सारे यहाँ ऑप्शंस आ गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप यहाँ से आप नाम चेंज कर सकते हो, आप चैनल का जो भी नाम रखना चाहते हो यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर कर नाम जो भी लिखना चाहते हो लिखो और ओके कर दो, ठीक है। मैं यहाँ चेंज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा सही है। और डिस्क्रिप्शन सेम, यहाँ पर जब पेंसिल वाला साइन है उस पर आप क्लिक करो, आपको जो डिस्क्रिप्शन लिखना है आप डिस्क्रिप्शन लिखो और ओके कर दो। उसके बाद Keep all my liked videos private, keep all my subscriptions private, keep all my saved playlist private. Guys, अगर ये blue रहेगा तो यहाँ पर जितने सारे private लिखे हुए हैं वो सारे private रहेगा, मतलब वो publicly नहीं दिखेगा, सिर्फ उसको आप देख सकते हो, ठीक है। मान लो आप कोई videos देखते हो, तो होता है ना किसी को आप like कर देते हो, तो like करने के बाद आप चाहते हो कि आपके चैनल पर जितने विजिटर आते हैं, जितने चैनल आपके लोग आपको देखते हैं आपके चैनल को, उनको भी वो वीडियो दिखे जो आप लाइक करके रखे हो। तो गाइस, यहाँ पर आपको ब्लू बटन ऑन डिसेबल कर देना है। अगर ये ब्लू बटन दिखेगा इस तरह से, तो मतलब ये वीडियोस प्राइवेट है, जो आप लाइक किए हो प्राइवेट है। उसको अगर इस तरह से जैसे दो बटन है नीचे के वैसे रहेगा, मतलब कि वीडियोस प्राइवेट नहीं है, सब लोग देख सकता है, ठीक है। उसी तरह सब्सक्रिप्शन का भी है, अगर इस तरह से ब्लू दिखेगा तो मतलब आपका प्राइवेट है सब्सक्रिप्शन, मतलब कोई नहीं देख सकता आपका सब्सक्राइबर, सिर्फ आप देख सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि आपका सब्सक्राइबर को सिर्फ सब लोग देखें, आपके चैनल पर जितने विजिटर आ रहे हैं वो सारे के सारे आपके सब्सक्राइबर को देखें, तो आपको यहाँ से ये ब्लू बटन को हटा देना है, मतलब इसको डिसेबल कर देना है। सेम उसी तरह कीप ऑल माय सेव्ड प्लेलिस्ट प्राइवेट। तो क्या करना है, अगर इस तरह से है तो आपका सारा का सारा जो भी प्लेलिस्ट है वो प्राइवेट नहीं है, ठीक है। इस तरह से है तो आपका सारा का सारा प्राइवेट नहीं है, जैसा ब्लू नहीं दिख रहा है तो प्राइवेट नहीं है, सब लोग देख रहे हैं। तो मान लो ऐसा होता है ना, कोई आप सीरीज देख रहे हो या फिर मान लो आप पढ़ाई वाले वीडियोस देख रहे हो, उसे मैथ्स का वीडियो देख रहे हो और ट्रिगो का प्लेलिस्ट किसी दूसरे चैनल पर है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि वो सारा का सारा प्लेलिस्ट आप अपने चैनल पर सेव कर लो, तो सारा का सारा प्लेलिस्ट आप चैनल पर सेव कर लिए लाइक ट्रिगो, ठीक है। तो आप चाहते हो कि आपके चैनल पर जितने विजिटर हैं, आपके चैनल पर जितने विजिटर आते हैं, वो प्लेलिस्ट को वो देखें कि हाँ वो आप ये प्लेलिस्ट सेव करके रखे हो, तो उनको भी विजिबल होगा। तो इस तरह से अगर आप ऑन रखते हो तो नहीं दिखेगा, ब्लू रहेगा तो प्राइवेट है, अगर नहीं है तो मतलब सब लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये रहा ऐप के थ्रू। क्रोम को आपको खोल लेना है। ओपन करने के बाद आपको ओपन कर लेना है एक न्यू टैब। न्यू टैब के बाद यहाँ पर आता है यूट्यूब, ठीक है। तो आपको YouTube को टच करना है। टच करने के बाद आपके थ्री डॉट्स को करना है और नीचे आता है डेस्कटॉप साइट। गाइस, आप मोबाइल में ही डेस्कटॉप साइट इंटरफेस खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। आप देख सकते हो ये सारा डेस्कटॉप साइट इंटरफेस है। तो उसके बाद आपको अपना चैनल ओपन करना है। साइड में यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन आएगा, अगर आपका लॉगिन नहीं है तो आप यहाँ जाकर लॉगिन कर सकते हो। मेरा ऑलरेडी लॉगिन है तो मैं यहाँ डायरेक्ट ओपन करूँगी। तो ऐसे करने के बाद आपको यहाँ योर चैनल आ गया, योर चैनल पर क्लिक करना है। योर चैनल पर क्लिक करने के बाद इस तरह से डेस्कटॉप साइट में खुलकर आएगा आपका चैनल। उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन है, कस्टमाइज चैनल और दूसरा यूट्यूब स्टूडियो बीटा। तो गाइस, यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा ओपन होकर। तो
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देख रहे हो ये इतने सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, साइन के थ्रू। तो यहाँ पर भी सेटिंग का साइन आपको दिखेगा, ये रहा सेटिंग का साइन, ठीक है। सेटिंग पर आपको क्लिक करना है, सेटिंग पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हो जनरल, चैनल, अपलोड, डिफॉल्ट, कम्युनिटी, बहुत सारे हैं। जनरल में क्या है, यहाँ पर आप करेंसी को चेंज कर सकते हो, आप इंडिया में हो तो आपका रुपीज़ है तो वो सिलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद चैनल, चैनल में आप जैसे हैं आप इंजीनियर का है, आपका क्या बेसिक इन्फो है वो, ठीक है, कीवर्ड्स एंड ऑल आप जो भी रखना चाहते हो ये। उसके बाद एडवांस चैनल, के आप चैनल को लिंक करना चाहते हो लिंक अकाउंट एडसेंस से। उसके बाद यहाँ पर देखो नीचे लिखा है सब्सक्रिप्शन काउंट्स, अगर आपको शो करना है तो आप इसको टिक कर दो, आपका सब्सक्रिप्शन आपके चैनल पर शो करने लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये आफ्टर मोनेटाइजेशन के बाद आपके पास आपका चॉइस रहता है कि आप कैसा एडवर्टाइजमेंट चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग ये है। उसके बाद आता है एडवांस चैनल सेटिंग्स, और चैनल के एडवांस सेटिंग्स हैं जिसमें एडसेंस के से रिलेटेड या बहुत सारे अलग अलग चीज़ें, ठीक है, उसको मैं दूसरे वीडियोज़ में आपको डिटेल से बता दूंगी। और ये रहा यूट्यूब अकाउंट, सेम ये भी यूट्यूब अकाउंट के बारे में ही है। और उसके बाद डिलीट और हाइड चैनल, आप यहाँ से अपने चैनल को हाइड भी कर सकते हो या फिर परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो अपलोड डिफॉल्ट, डिफॉल्ट्स, तो यहाँ से आप बेसिक इनपुट जो भी आप वीडियो अपलोड करते हो इसका आप एक बार ही सारा कुछ टाइटल ये सब लिख कर रख सकते हो, हर वीडियोस में वैसा आएगा। एडवांस सेटिंग्स में वैसे हिंदी कैसे आपका कैटेगरी है वीडियोस का। मोनेटाइजेशन में आपका ऐड कब कब आएगा आपकी वीडियोस पर, वो सारे हैं, ओवर एड्स, कैसा ऐड आएगा, स्पॉन्सर, स्केपेबल, नॉन स्केपेबल, ड्यूरिंग वीडियोस, जैसे वीडियो चलता है कभी कभी बीच में एड्स आ जाते हैं तो वैसा ऐड चाहिए या फिर स्टार्टिंग और लास्ट में ऐड चाहिए, तो यहाँ से आप सारा वो सेटिंग कर सकते हो। और ये रहा कम्युनिटी, तब देख सकते हो गाइज इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ब्लॉक लिंक्स एंड ऑल है कि आप किसी को ब्लॉक करना चाहते हो, या फिर डिसेबल कमेंट्स कि आपके वीडियोस पर जो भी कमेंट आते हैं वो कोई कमेंट ना करे, वो कमेंट बॉक्स ही हटा देना, या फिर कमेंट आते तो पहले रिव्यू करने के लिए आपके पास आए, इस तरह से सारे चेंजिंग है कर सकते हो। और सबसे मेन मोटिव है इस वीडियो का कि आप सब्सक्रिप्शन को कैसे हाइड करो या विजिबल करो। तो गाइस कुछ नहीं, चैनल में जाना है, चैनल में जाने के बाद एडवांस सेटिंग, एडवांस सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ आता है सब्सक्राइबर काउंट, तो यहाँ पर अगर आप इसको टिक कर देते हो तो सब्सक्राइबर शो करेगा, अगर इसका टिक हटा देते हो तो आपका सब्सक्राइबर शो नहीं करेगा। गाइस ये करने के कुछ देर बाद ये अपडेट होता है, तो आप इंस्टेंट किया और आप देखोगे कि आपका सब्सक्राइबर शो कर रहा है नहीं कर रहा है तो आपको करेगा, ठीक है। अगर आपका सब्सक्राइबर ऑलरेडी हाइड नहीं है, पहले से ही विजिबल है, तो अब अगर आप इसको हटाते हो तो कुछ देर तक आपका विजिबल ही रहेगा, शो करेगा सब्सक्राइबर, लेकिन कुछ देर बाद ये हट जाएगा, तो इसलिए आप बेफिक्र रहिए, आपका जो भी चेंज आप किए हैं वो सेव हो जाएगा कुछ देर बाद, ठीक है। उसके बाद जो भी आप चेंजिंग करो सेव कर दो, मैं यहाँ कुछ नहीं की तो कैंसिल है, ठीक है। गाइस आई होप आपको समझ में आ गया हो किस तरह से यहाँ पर मैं सब्सक्रिप्शन या फिर चैनल का नेम या फिर प्लेलिस्ट वीडियोस कैसे आप सेव कर सकते हो, हटा सकते हो पब्लिक से और प्राइवेट कर सकते हो, ये सारे चीज़ आपको आई थिंक समझ में आ गया हो। गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। गाइस प्लीज कॉपी द लिंक एंड शेयर ऑन फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा, टेलीग्राम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।